गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे। आज हम लोग कक्षा 10 भौतिक विज्ञान में कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, डिस्कस करने वाले हैं। इसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हम लोग उठाए हैं, लेंस का प्रथम फोकस आएगा। प्रथम फोकस दूरी क्या होती है? अब प्रथम फोकस तल का होता है, ठीक है। लेंस, तो लेंस जानते हो आप, उत्तल लेंस और अवतल लेंस की बात करेंगे। तो बेटा इसी के माध्यम से बिल्कुल एक एक चीज एक बेहतरीन तरीके से आप लोग समझाई जाएगी, ध्यान दीजिएगा। बेटा इधर हम ले लेते हैं उत्तल लेंस, इधर ले लेते हैं उत्तल लेंस, ठीक है, और इधर ले लेते हैं अवतल लेंस। बिल्कुल एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को, इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल एक एक पॉइंट का। उत्तल लेंस को हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, और इसे बोलते हैं कॉनकेव लेंस। क्लियर है? ध्यान दीजिए बेटा, बहुत ही पतला लेंस बनाया करिए। ये क्या है? LLS आपका एक लेंस है, इसे बोलते हैं प्रकाशित केंद्र, ये होता मुख्य अक्ष। ध्यान दीजिएगा, ऐसे हम लोग यहां बना रहे हैं। एक पतला लेंस लेंगे अवतल लेंस, ये होता प्रकाशित केंद्र, L और L डैश ले लिया बेटा, ये मुख्य अक्ष होता है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दें आप लोग, ठीक। हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि लेंस का प्रथम फोकस किसे कहते हैं, लेंस का प्रथम फोकस क्या होता है, ठीक। इसके बाद लेंस की प्रथम फोकस दूरी किसे कहते हैं और लेंस का प्रथम फोकस तल कब होता है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम उत्तल लेंस की बात करेंगे, ठीक है। तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों में इसको हम लोग डिफिनेशन मर्ज करेंगे, पहले अलग अलग देखिए। तो उत्तल लेंस में क्या है? मुख्य अक्ष, ध्यान दीजिएगा, मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु, मुख्य उत्तल लेंस का प्रथम फोकस बात कर रहे हैं, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस की बात करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु जिससे निकलने वाली प्रकाश किरणें, क्लियर है। उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु जिससे निकलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से टकराकर या अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती हैं या हो जाती हैं, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, चली जाती हैं। तो मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है, इसे F डैश से प्रदर्शित करते हैं। बात क्लियर हुई? इसी प्रकार आप लोग जो है अवतल लेंस की बात करेंगे तो क्या करेंगे, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित हुआ है निश्चित बिंदु जिसकी ओर आने वाली प्रकाश किरणें, ठीक, देख लीजिएगा, ठीक है, जिसकी ओर आने वाली प्रकाश किरणें, ये प्रकाश किरणें देख लीजिएगा इस बिंदु की ओर आ रही हैं। तो उत्तल अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु जिसकी ओर आने वाली प्रकाश किरणें अवतल लेंस से टकराकर या अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती हैं, तो वह निश्चित बिंदु ही अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है, इसे F' से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? फिर से एक बार देखिए, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु जिससे निकलने वाली प्रकाश किरणें लेंस उत्तल लेंस से प्रभावित होकर अपवर्तित होकर के ये टकराकर मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती हैं, तो वह निश्चित बिंदु ही उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है, इसे F' से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार देखिए, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु जिसकी ओर आने वाली प्रकाश किरणें अवतल
से टकराकर या परिधि होकर के मुखाक्ष के समांतर चली जाती है तो वह विश्वविद्रोही आउटर लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। इसे कैप्टन एंडर्स से प्रदर्शित करते हैं। दोनों को मर्ज कीजिए, एक साथ कीजिए। ध्यान रखें कैसे करना है। लेंस लेंस के मुख्य अक्ष पर, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, ध्यान रखिएगा, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु, चाहे ये हो चाहिए वह निश्चित बिंदु, इसमें क्या करेंगे, जिससे निकलने वाली प्रकाश किरणें कोष्ठक में डालिए उत्तल लेंस में या उसकी ओर आने वाली प्रकाश किरणें कोष्ठक में डालेंगे अवतल लेंस में, लेंस से टकराकर या अपवर्तित होकर के मुख अक्ष के समांतर चली जाती है तो वह निश्चित बिंदु ही लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। बच्चों बात क्लियर हो रही है, तो हमारी ये हेडिंग पूरी क्लियर हो गई है। देखेंगे फोकस दूरी, प्रथम फोकस दूरी, तो क्या बोलेंगे, लेंस के प्रकाशित केंद्र, चाहिए हो लेंस के प्रकाशित केंद्र से प्रथम फोकस तक की दूरी को, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी जो होती है प्रथम फोकस दूरी कहलाती है। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। लेंस के प्रकाशित केंद्र से प्रथम फोकस तक की दूरी को प्रथम फोकस दूरी कहते हैं। इसे कैपिटल और स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग आपकी है, आपकी फोकस तल क्या होता है, तो प्रथम फोकस तल, तो क्या बोलेंगे आप उत्तल लेंस, ये तुम्हारा प्रथम फोकस है, तो आप बोलेंगे लेंस के, चाहिए हो जाइए हो, लेंस के प्रथम फोकस से होकर के जाने वाला वह तल, लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाने वाला वह तल, चाहिए इसमें लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाने वाला वह तल जो कि मुख्य अक्ष पर क्या होता है, लंबवत होता है, मुख्य अक्ष पर लंबवत होता है, प्रथम फोकस तल कहलाता है। प्रथम फोकस से होकर के जाने वाला वह तल, प्रथम फोकस से होकर जाने वाला वह तल जो कि मुख्य अक्ष पर लंबवत होता है, प्रथम फोकस तल कहलाता है। तो बच्चों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बेटा बेहतरीन तरीके से इसकी रिविजन लिखिएगा। अगर क्वेश्चन आए लेंस का प्रथम फोकस किसे कहते हैं, तो दोनों बना करके डिफिनेशन को मर्ज से मैंने करवाया है वैसे करके आप कीजिएगा। अगर अलग अलग आता है तो बिल्कुल कह रहा उत्तल लेंस का प्रथम फोकस, तो इसमें इसकी डिफिनेशन आपको देना है, ये फिगर बनाना है। तो बेटा इसको बेहतरीन तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिए, बना लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है लेंस का द्वितीय फोकस दूरी व द्वितीय फोकस तल डिस्कशन करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।